ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस का एक डिसीजन आपको हैरान कर देगा, क्योंकि उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच में एक ऐसा डिसीजन लिया जिसके बारे में शायद ही कोई कप्तान सोचे। दरअसल ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है, जिसमें वेस्ट इंडीज ने अपनी पहली पारी में 311 रन बनाए थे और इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अभी 289 रन ही बनाए थे कि कप्तान पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलियाई पारी को डिक्लेयर कर दिया, वो भी तब जब ऑस्ट्रेलियाई टीम अभी भी वेस्ट इंडीज की पहली पारी से 22 रन पीछे थी और उस समय तो खुद पैट कमिंस ही 64 रनों पर खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया का नौवां विकेट गिरा, जब नैथन लायन 19 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हुए, तो पैट कमिंस ने स्टंप्स होने से कुछ देर पहले ही पारी को डिक्लेयर कर दिया जब वो अभी भी 22 रन पीछे थे, क्योंकि कमिंस वेस्ट इंडीज के कुछ विकेट चटकाकर उन पर दबाव बनाना चाहते थे। हालांकि 13 के स्कोर पर वेस्ट इंडीज का पहला विकेट गिर भी गया और वहीं पर दिन का खेल खत्म हो गया। लेकिन अब कुछ लोग कमिंस के इस डिक्लेरेशन को सही बता रहे हैं और कुछ लोग गलत। दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है, आप भी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।